हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट गागा एमुलेटर में फ्री फायर के एक एरर के बारे में बात करेंगे। न्यू अपडेट OB41 के बाद अगर फ्री फायर स्मार्ट गागा में ओपन नहीं होती और लोडिंग पे स्टक होने के बाद आपके पास फ्री फायर है स्टॉप्ड वाला एरर आ जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का एक वर्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस एरर का जो सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसको आप लोग स्मार्ट गागा के अलावा किसी भी दूसरे एमुलेटर पे भी यूज कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ सके। तो चलेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यह करना है कि स्मार्ट गागा को ओपन करने के बाद उसमें हम लोग फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। फ्री फायर ओपन करते ही यहाँ पे ग्रीन वाला लोगो डिस्प्ले होगा और यहाँ पे फ्री फायर की लोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फ्री फायर की लोडिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे स्टक हो जाएगी और थोड़ी देर बाद आप लोगों के पास फ्री फायर ऑटो बैक हो जाएगी। साथ ही आप लोगों के पास यहाँ पे एक एरर देखने को मिल जाएगा, फ्री फायर है स्टॉप्ड। यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे, ओपन ऐप अगेन और म्यूट अंटिल डिवाइस रीस्टार्ट। आप लोगों ने इनमें से किसी को भी चूज नहीं करना, बैक पे क्लिक करके इस वाले एरर को हम लोग बैक कर देंगे। अभी सिंपली से स्मार्ट गागा एमुलेटर में जो एंड्रॉइड वाली सेटिंग्स होती हैं, इनको आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पे आप लोगों को एक एप्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसे ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली से फ्री फायर एप्लीकेशन फाइल को ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोग स्टोरेज में जाएंगे, इसकी कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑप पे क्लिक करके फ्री फायर को हम लोग बैकग्राउंड से बंद कर देंगे। इतना काम करने के बाद स्मार्ट गागा की जो एमुलेटर सेटिंग्स होती हैं, इनको आप लोग ओपन करेंगे। सेटिंग्स ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आप लोग आएंगे एडवांस वाले सेक्शन में। सीपीयू कोर्स में आप लोगों ने इस एमुलेटर को दो कोर्स असाइन कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्मार्ट गागा का एंड्रॉइड वर्जन 7 यूज कर रहे हो, आप लोगों के पीसी में क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हो जिसमें चार कोर्स होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग दो कोर्स को असाइन कर देंगे। साथ ही स्मार्ट गागा एंड्रॉइड 7 पे फ्री फायर को चलाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट 2 GB रैम असाइन करनी पड़ेगी। जो स्मार्ट गागा का एंड्रॉइड वर्जन 4.4.2 होता है उसमें आप लोग 1 GB रैम भी दे सकते हो और 1.5 GB भी, लेकिन एंड्रॉइड 7 की सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है तो यहाँ पे आप लोगों को 2 GB रैम असाइन करना पड़ेगी। रेंडरिंग मोड में हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट को रखेंगे। सेटिंग्स को सेव करने के बाद स्मार्ट गागा एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि जितनी भी हमने ये चेंजेस की हैं वो यहाँ पे इस एमुलेटर में अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद सिंपली से आप लोग फ्री फायर को ओपन करेंगे। इस बार आप लोगों के पास फ्री फायर में कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि फ्री फायर और एमुलेटर से रिलेटेड जितनी भी हेल्पफुल वीडियोस होती हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्री फायर विदाउट एनी एरर ओपन हो चुकी है। आप लोगों के पास कोई भी स्टॉप्ड वर्किंग वाला एरर देखने को नहीं मिलेगा। फ्री फायर ओपन करने के बाद जिस अकाउंट से भी आप लोग इसको लॉगिन करना चाहे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। फ्री फायर में इंटर होने के बाद आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना होगा, सीधा आप लोग आएंगे डाउनलोड सेंटर में। जितने भी रिसोर्सेज और एक्सपेंशन पैक यहाँ पे डाउनलोड हो रहा होगा, पॉज पे क्लिक करके सभी को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। आप लोगों ने अगर रिसोर्सेज को डाउनलोड भी करना हो तो आप लोग वही रिसोर्सेज को डाउनलोड करोगे जितने आप लोगों ने इक्विप किए हो, क्योंकि जब आप लोग एक्सपेंशन पैक को ज्यादा डाउनलोड कर लेते हो तो फ्री फायर को रिस्टार्ट करने के बाद आप लोगों के पास स्टॉप्ड वर्किंग वाला एरर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग उतने ही रिसोर्सेज को डाउनलोड करो जितने आप लोगों ने इक्विप किए हो। इस वीडियो में मैंने जो स्मार्ट गागा एमुलेटर यूज किया है, इसको डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिर भी गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।